इसी इंसान की वजह से फ्लीट का चैनल अभी तक जिंदा है। कुछ टाइम पहले तक फ्लीट की सारी वीडियोस में हमें फ्लीट ही देखने को मिलता था, लेकिन फिर जैक आ गया और अब ये हालत है कि फ्लीट की लास्ट 50 वीडियोस में से 40 वीडियोस जैक के ऊपर है। एंड फ्लीट ने ऑलमोस्ट 6 मिलियन व्यूज लिया जैक के फेस रिवील वीडियो से बिना जैक का फेस रिवील किए। और फ्लीट के कमेंट सेक्शन में 10 में से 7 कमेंट जैक के ऊपर होते हैं। मतलब अगर कभी किसी रीजन से जैक अंशु भी चैनल छोड़कर चला गया तो लिटरल फ्लीट बर्बाद हो जाएगा। आई मीन आप लोग देख रहे हो कि जैक का कितना बड़ा इन्फ्लुएंस है अंशु भी चैनल पर। तो फ्लीट को जैक मिला था 4 मार्च 2022 को माइनक्राफ्ट के हाईपिक्सल सर्वर में। एंड ये है वो फर्स्ट वीडियो जिसमें गेमर फ्लीट और जैक एक साथ दिखे थे, और ये है वो सीन जहाँ पे हमने सबसे पहली बार जैक को देखा था। क्रेजी चीज है तो वो तुम लोगों को। तो ये है फर्स्ट सीन जहाँ पे फ्लीट ने जैक को देखा, पर फ्लीट ने जैक को इग्नोर कर दिया। पता चल जाएगी अभी। चलो हम लोग फटाफट से क्या करते हैं, बिल्डर अप। तो गाइस मैंने जितना भी था सामान हमें खरीदना था वो सारा का सारा ले लिया, और अब चलो निकलते हैं यहाँ पर। हैं जैक भैया, अबे लाइन में खड़े हो, मुंह में थोड़ा ना गुज्जा हो गया आदमी के यार, अजीब आदमी। यूट्यूबर भैया स्काई ब्लॉग सिखा दो। और यहाँ से शुरू होती है इन दोनों की लेजेंडरी दोस्ती। कसम से मूवी का सीन लग रहा है। और फिर फ्लीट स्काई ब्लॉक सीरीज ही बंद कर देता 11 वीडियो और बनाकर, लेकिन जब तक तो जैक ने अपना जादू कर दिया होता ऑडियंस पर। यानी अब ऑडियंस चाहती थी कि फ्लीट जैक के साथ और वीडियोस बनाए। और फिर स्काई ब्लॉक में मिले जैक की एंट्री होती है फ्लीट SMP में 3 अप्रैल 2022 को। भाई मेरी आंखें खराब हो गई है क्या? जैक भैया, अरे कोई है यहाँ पीछे, देखो पीछे, एक मिनट। अबे जैक तू क्या कर रहा है भाई यहाँ? और तभी से लेके अभी तक जैक फ्लीट SMP का परमानेंट मेंबर है। और फिर 7 अक्टूबर 2022 को फ्लीट एक ऐसी सीरीज शुरू करता है जैक के साथ जिसकी वजह से मोस्ट ऑफ लोग जैक के फैन बने। यानी फ्लीट शुरू करता है वन ब्लॉक विद जैक। सो वन ब्लॉक की वो सीरीज थी जिसकी वजह से जैक चैनल का इतना बड़ा पार्ट बना और फ्लीट का इतना अच्छा दोस्त बना। जैक ने मेरा खून चूस दिया भाई। पहले मेरे साथ एक वन ब्लॉक का एपिसोड बनाओ, तो अभी हम लोग करने वाले हैं भाई जैक के साथ वन ब्लॉक, उसको मैंने बुला रखा है। और फिर वन ब्लॉक अच्छा चल ही रहा होता है, लेकिन तभी 11 मार्च 2023 को एकदम से गेमर फ्लीट चैनल पे एक स्ट्रीम शुरू हो जाती है जिसका टाइटल था अ न्यू स्टार्ट विद फ्लीट SMP मेंबर्स लिली विली डे वन। सो या वो लाइव स्ट्रीम देखने के बाद हमें पता चलता है कि ये एक न्यू SMP है लिली विली नाम की, और जैक भी इस SMP का परमानेंट मेंबर होता है। लेकिन फिर 16 जुलाई 2023 को आता है वन ब्लॉक सीरीज का लास्ट एपिसोड, और यही वो सीरीज थी जिसने जैक को मेन करेक्टर बनाया चैनल का फ्लीट के बाद। और फिर फ्लीट स्टार्ट करता है हार्डकोर विद जैक 3 जुलाई 2023 को वन ब्लॉक सीरीज की सक्सेस रेप्लिकेट करने के लिए। और फिर 21 जनवरी 2024 को फ्लीट स्टार्ट करता है एक न्यू वन ब्लॉक सीरीज, बिकॉज फ्लीट समझ गया कि उसके लास्ट वन ब्लॉक सीरीज में इतने अच्छे व्यूज का रीजन था जैक, तो इसलिए वो वापस से सेम व्यूज लेने के लिए एक न्यू वन ब्लॉक सीरीज स्टार्ट करता है वो भी जैक के साथ, जैसे कि उसने लास्ट सीरीज में किया था। बिकॉज वो भी समझ गया कि ऑडियंस जैक को पसंद नहीं करती, ऑडियंस जैक को प्यार करती है। पर क्यों ऑडियंस को जैक इतना अच्छा लगता है? तो देखो इसको ऐसे समझो कि फ्लीट जो है ना अपनी वीडियोस में ऐसा माहौल क्रिएट करता है जैसा माहौल तब होता है जब फैमिली गैदरिंग्स होती है, तुम्हारी फैमिलीज बात करती है, यानी तुम्हारे मामा मामी या तुम्हारे पापा मम्मी एक दूसरे से बात करते हैं, हंसते खेलते हैं, तो तुम लोगों को भी अच्छा लगता है ना। तो फ्लीट की वीडियोस भी एक टाइप से उनको ही रेप्लिकेट करती है, वो भी सेम माहौल बनाती है। और ऑडियंस जैक को उसके बच्चे वाले नेचर की वजह से पसंद करती है, जो केमिस्ट्री जैक और फ्लीट के बीच में होती है, जहाँ पे जैक फ्लीट को इरिटेट करता है और फिर फ्लीट उस पर गुस्सा होता है, वो जैक की क्यूटनेस, वो भोलापन, वो ऑडियंस को बहुत अच्छा लगता है। एंड थोड़ा बहुत सस्पेंस भी, बिकॉज ऑडियंस को हमेशा पता होता है कि थोड़ी थोड़ी देर में जैक जो है कोई ना कोई जोक मारता रहेगा और फ्लीट उस जोक पे रिएक्ट करता रहेगा, और ये कंटिन्यूसली फ्लीट की 40 मिनट या 1 घंटे वीडियोस में होता रहता है। आप इसको ऐसे भी समझ सकते हो जब एक बंदा दूसरे बंदे की मजे लेता है, मजाक उड़ाता है, और दूसरा इंसान गुस्सा हो जाता है, और फिर आपको भी क्यूरियोसिटी होती है ना कि अब क्या होगा इन दोनों के बीच में, तो वो सेम चीज फ्लीट की वीडियोस में होती है फ्लीट और जैक के बीच में। और ये मजे लेना, नाराज होना और भी अच्छा हो जाता है जब एक साइड बच्चा हो, यानी फ्लीट के केस में जहाँ पे जैक जो है एक टाइप से बच्चे वाला रोल प्ले करता है, तो एक टाइप से बच्चे के मजे लेना, उसके साथ खेलना, उसका मजाक उड़ाना, तो वो सब आई थिंक ऑडियंस को देखना पसंद है। सो या इन द एंड फ्लीट के चैनल पे बहुत बहुत बड़ी ऑडियंस सिर्फ जैक और फ्लीट के बीच की केमिस्ट्री देखने आती है। यानी अगर गलती से कभी जैक फ्लीट को छोड़ के जाता है तो फ्लीट अपनी बहुत बड़ी ऑडियंस खो देगा।